Aquí en Navidad, guía Matina, guía a las mañanas, viaje. Con aquí en Noche, Solea, Manitas, y a la Trabara, Tira, Chota, Aguía, Andrés Soma, Fin Sixfin. 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
the proportionality constant is called as force constant. Right. Now, if the block is displaced towards left from the equilibrium, क्या होगा? F is equal to minus kx आएगा. Left. है ना? Left की तरफ करेंगे तो equilibrium is the forces exerted by the spring on the body towards the right and its magnitude is F is equal to minus kx. ये भी minus kx आएगा. ये भी minus kx आएगा. क्यों? इसमें भी क्या है? Minus kx क्यों आएगा दोनों जगह पे? हाँ, ये बात समझ में आनी चाहिए. देखो तीसरी पोजीशन की बात हो रही है. ये जो ब्लॉक मोड है ये तीसरी पोजीशन. ये इसका समझ में आएगा माइनस आ रहा है. ये तीसरा कंप्रेस में भी क्या आएगा? माइनस ही आएगा. क्यों माइनस आएगा? फोर्स किधर है? देखो इस केस में फोर्स क्या हो गया? इस केस में फोर्स इनवर्ड था, मोमेंट आउटवर्ड थी. इस केस में मोमेंट इनवर्ड है और फोर्स आउटवर्ड है. सो इस केस में भी क्या हो गया? द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर. एग्री क्या? देखो सिंपल है, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है. बट माइनस दोनों केस में क्यों आ रहा है? कभी कभी ऐसा लगेगा यार ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना, दोनों से माइनस क्यों आ रहा है? क्यों माइनस आ रहा है? यहाँ पे भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, यहाँ पे भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, हेंस माइनस साइन इज देयर. वेरी नाइस. चलो हो गया, तो ये एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने. नाउ सो इट मींस दैट एफ इज इक्वल टू के इज इक्वेशन ऑफ मोशन. एफ इज इक्वल टू के फोर्स का इक्वेशन, फोर्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, ये जहां पे भी आता है उसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं. सो दैट इज टेकन एज एन इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ let us move ahead. So 5.1 equation one, let us move ahead. Now if the block is released from the rightmost position, the restoring force exerted by the spring accelerates towards the acceleration. Nikal rahe kitna acceleration kitna aata hai? Ye force ka Newton law ka formula, force ka formula kya? F is equal to, ye humko pata hai, bolo F is equal to ma, right? F is equal to ma. To a kitna hai? Yes sir. Kya baat hai, kaun chilla raha? माइक्रोफोन ऑन नहीं करना है. F is equal to ma, so a क्या आएगा? F upon m. यहाँ पे f की कीमत कितनी थी ऊपर से? F is equal to, यहाँ पे f is equal to क्या लिया है हमने? F is equal to equation number one, क्या है? Minus kx, minus kx, right? यहाँ पे f की सब्स्टिट्यूट कर दिया, f की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस के अपॉन m. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट इट, माइनस के x अपॉन m. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के x अपॉन m, राइट? फाइन. सो दैट इज व्हाट लेट्स डू. m वेयर m इज द मास ऑफ द ब्लॉक, द दिस शोस द एक्सेलरेशन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट? एंड मास. Acceleration now. Acceleration is displacement is proportional to
is displacement and inversely proportional to mass. So that is what is they have explained. So acceleration ka formula mil gaya hamko, hai na? Force ka formula mila, acceleration ka formula mila. Dekho, physics wo hai jo theory ko mathematical formula mein convert karna. Physics jo hai concepts ko mathematical formula mein likhna, ye sabse bada kaam hota hai physics ka. Aur wohi kar raha hai ye. है ना क्या कर दिया उसने जो कांसेप्ट है उसको मैथमेटिक्स से फॉर्मूले में डाल दिया जो रूल्स है रूल के हिसाब से राइट तो फिर इसका मतलब ये हुआ वेयर m इज द मास ऑफ द ब्लॉक दिस शोस दैट द एक्सीलरेशन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज फोर्स एंड एक्सीलरेशन आर बोथ डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन फोर्स एंड एक्सीलरेशन डायरेक्टेड अब यहां पे भी क्या दिख रहा है ये साइन पे से समझ में आ रहा है एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट तो इसका मतलब हुआ अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो एक्सेलरेशन इधर है और डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो एक्सेलरेशन इधर है राइट इसका मतलब अपोजिट टू ईच अदर सो इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन राइट राइट फाइन सो ये दो तीन चीजें हुई अभी इसको अच्छे से लिखेंगे आप पहले समझ लेते हैं अंडरस्टैंड कर लेते हैं अभी कुछ इसमें राइट एज अ ब्लॉक मूव्स टुवर्ड द मीन पोजीशन इट्स स्पीड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग ड्यू टू इट्स एक्सेलरेशन बट इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन गोज ऑन डिक्रीजिंग जैसा जैसा ब्लॉक सेंटर की तरफ मेन पोजीशन की तरफ इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा देखो मेन पोजीशन की तरफ आएगा उसका स्पीड क्या होगा इंक्रीज होगा अब ये कैसे समझ में आएगा देखो स्प्रिंग है अब ये स्प्रिंग है राइट जब ये यहाँ से छूटेगी तो जब इधर बढ़ेगी तो उसका स्पीड बढ़ेगा जैसे जैसे मेन पोजीशन पे आएंगे उसका स्पीड मैक्सिमम रहेगा फिर इधर जाते वक्त धीरे 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 कम होते जाएगा इधर कम हो जाएगा ये और अच्छा किससे समझ में आता है सिंपल पेंडुलम से समझ में आता है और अच्छा सिंपल पेंडुलम से समझ में आता है अब बोलो देखो ये मैंने यहाँ से इसको छोड़ दिया ये यहाँ से इधर जाएगा यहाँ पे उसका स्पीड मैक्सिमम रहेगा ये कौन सी पोजीशन है मीन पोजीशन है मीन पोजीशन पे इसको मैक्सिमम रहेगा धीरे 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 स्पीड कम होती जाएगा यहाँ पे स्पीड एकदम जीरो हो जाएगा स्पीड जीरो होगा फिर वापस क्या होगा रिवर्स मिलेगा फिर स्पीड कम रहेगा बढ़ेगा 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 यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा यहाँ मैक्सिमम फिर इधर स्पीड कम 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 होते होते यहाँ पे फिर जीरो हो जाएगा सो सिमिलर कैन बी अंडरस्टैंड